में तभी घूमेगा जब उसको एक सेंटर की ओर फोर्स मिले, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स यानी एक्सेलरेशन। तो इसका प्रूफ हम लोग किए थे, कई लोगों को समझ में आया था वो प्रूफ, कई लोगों को नहीं समझ में आया था, घबरा नहीं है, दोबारा तिबारे भी वो प्रूफ हम लोग जब ऑफलाइन होगा तो हम फिर से आपको बताएंगे। या जो वेक्टर नहीं पढ़े बस वही नहीं समझे होंगे, या जो चेन रूल नहीं पढ़े वही नहीं समझे होंगे। तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में है तो उसको ये कंफर्म होना चाहिए कि सेंटर की ओर एक फोर्स लगना ही लगना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स अवेलेबल नहीं है सेंटर की ओर तो वो पार्टिकल मूव नहीं करने वाला है। यानी अगर आप कहीं भी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, रस्सी को से पत्थर बांध के भी गोल गोल घुमा रहे हैं, तो सेंटर की ओर टेंशन लगता है, फोर्स टेंशन। हर जगह पे एक फोर्स अवेलेबल है सेंटर की ओर, वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको हम बता दें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ सेंट्रीपिटल, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर यहाँ रेडियस है, वी उसका वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एम उस पार्टिकल का मास है, आर उसका रेडियस है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला v के टर्म में और एक फॉर्मूला ओमेगा के टर्म में, यही दो फॉर्मूला आपको बताए थे, याद है ना, एक फॉर्मूला v के टर्म में और एक फॉर्मूला ओमेगा के टर्म में है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं और एम वी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं। तो इसमें से कई तरह के बातें हैं, कई न्यूमेरिकल्स हैं जो भी इस फॉर्मूले पर हम चलाएंगे न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत नॉर्मल बात जो आम जीवन में दिखता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन ये तो लास्ट का आपको बताए थे, लिखिए क्वेश्चन कॉपी पे, व्हाई व्हाई अ साइक्लिस्ट, व्हाई अ साइक्लिस्ट, व्हाई अ साइक्लिस्ट बेंड्स, बी एंड एस बेंड्स झुका लेता है, व्हाई अ साइक्लिस्ट बेंड्स हिज साइकिल, व्हाई अ साइक्लिस्ट bends his cycle while crossing a circular track, why a cyclist bends his cycle while crossing a circular track। आप कभी भी साइकिल चलाइए या स्कूटी या अपना बाइक भी चलाइए और कुछ ही गली वली में कोने पे मुड़ना हो या कहीं घाटी वाटी पे भी कोने पे आपको मुड़ना हो तो आप अपने आप गाड़ी झुका लेते, एकदम एक साइड से झुका लेते हैं, सीधे सीधे पार नहीं करते हैं, क्यों झुका लेते हैं? ये सवाल हम साइक्लिस्ट इसलिए वर्ड यूज क्योंकि बड़ा ये पॉपुलर सवाल है जिसमें ये साइक्लिस्ट वर्ड ही यूज करता है। साइकिल वाला भी जैसे रात को गोल चक्कर हो गया, चाहे कहीं भी चौक होता है ना, चौक में गोल चक्कर होता है जहां से आप मुड़ते हैं, अगर तेज जा रहे हैं तो गोल चक्कर पे आप ऐसे मोड़ लोगे। या आप ऐसे भी समझ लो कि मोटो जीपी का रेस देखते हो, जो बाइक रेस करते हैं वो सब, उनका ट्रैक जहां पे भी टर्न होता है वो पूरा झुका देते हैं, जितना ज्यादा झुका ले स्किड ना करे बस। यहाँ पे भी दो बातें हैं, स्लिप होना और स्किड होना, दोनों में काफी अंतर है। क्या है स्लिप होना, क्या है स्किड होना, उस बारे में बात करेंगे। तो एक साइक्लिस्ट अपनी साइकिल को क्यों झुका लेता है? हमेशा सेंटर की ओर झुकाएगा, जिधर मुड़ना है उधर ही झुकाएगा, उल्टा नहीं झुका लेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग समझने जा रहे हैं, होता क्या है वो देखिए। मान लीजिए आप खुद की साइकिल या स्कूटी या बाइक लेके निकले हुए हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज दोनों मीटिंग जरूरी है सीखना आपको, थ्योरी पोर्शन इसलिए बता रहे हैं कई लोगों का एग्जाम एग्जाम है उसके चलते उनको दिक्कत ना हो। फिर से सवाल, हमको डाउट है आपके चेहरे को क्या हो गया? हाँ मेरा चेहरा जो है रातों रात बदल गया। हर्षित तुम्हारा ही सवाल है, बहुत सवाल करता है लड़का लोग, तुम लोग इतना बोल दिया कि हम पेंट करके आ जाएंगे चेहरा, तुम लोग तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड रहे, सामने से सब बोलता है। खैर यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, साइक्लिस्ट अगर यहाँ पे है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका सेंटर है ओ और इसका रेडियस है स्मॉल आर। आपको पता है अगर साइकिल वाला सीधे कहीं पे, मान लो साइकिल है, साइकिल सीधे है तो साइकिल वाले का वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, एमजी वेट हमेशा डाउनवर्ड। और आपको पता है ना कि वेट एमजी होता है हमेशा नीचे की ओर, और नॉर्मल जब आप जमीन के कॉन्टेक्ट में हो तो उसको आप जमीन भी आप पे फोर्स लगाएगा, हवा में वो फोर्स नहीं लगेगा, जमीन वो फोर्स हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे लगाता है, यानी कि इधर आएगा नॉर्मल, तो यही नॉर्मल आपके वेट mg को बैलेंस कर लेता है, तो n इक्वल टू mg हो जाता है। तो अगर साइकिल वाला सीधे है तो सेंटर की ओर तो कोई फोर्स उसको मिलेगा नहीं, दो ही फोर्स है,
एक ऊपर की ओर रहेगा नॉर्मल, एक नीचे की ओर रहेगा एम जी, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, सेंटर की ओर कोई फोर्स मिलेगा नहीं। और इसको अगर सर्कुलर ट्रैक को पार करना है तो इसको सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, वही फोर्स इसको हेल्प करेगा सर्कुलर ट्रैक को पार करने में। लेकिन यहाँ तो इसके पास कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 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 मेरे पास रेड पेन भी है, आपको भी दो पेन, इसका वेट लगेगा एम जी। तो अगर साइकिलिस्ट अपना साइकिल थोड़ा झुका लेता है, यानी कि वो आप समझ लो ऐसे, यहाँ तो हम नीचे नहीं दिखा पा रहे अपना पैर, जैसे कैसे दौड़ने वाला एकदम पैर पैसे मोड़ लेता है ताकि वो जमीन को ऐसे धक्का दे, सीधा धक्का ना दे कि जमीन को थोड़ा तिरछा, अगर आप साइकिल मोड़ते हैं तो आपका साइकिल जमीन को कुछ एंगल पे धक्का देता है। यानी अगर मान लो आपने साइकिल को मोड़ लिया तो आप साइकिल को जमीन को इधर धक्का देंगे तो जमीन आपको इधर धक्का देगा। इसको हम नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं और रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, आर फॉर रिएक्शन फोर्स। और आपने अपनी साइकिल कितने एंगल से घुमा दी है, थीटा एंगल से। फिर से समझाते हैं, जब आप साइकिल को थीटा एंगल से जमीन की ओर मोड़ते हैं सेंटर की ओर, तो जमीन को आप जिस एंगल से धक्का देंगे जमीन उसी एंगल के 90 डिग्री एंगल पे नॉर्मली, तो आप ऐसे इसको धक्का दे, देखो ये हुआ ऐसे, अब आप ऐसे धक्का दोगे तो ये भी इसको इधर ही धक्का देगा। तो नॉर्मली जो रिएक्शन फोर्स है ना वो आपको थीटा एंगल पर मिल रहा है, ये वो रिएक्शन फोर्स है जो ग्राउंड आपके ऊपर अप्लाई करता है। आप भी ग्राउंड पे लगा रहे हो, आपके ऊपर कौन कौन फोर्स लग रहा है वो चेक करना, अगर आप साइकिलिस्ट है तो आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक तो ये रिएक्शन फोर्स आर, और दूसरा आपके ऊपर फोर्स लग रहा है इसका वेट एम जी। एक रिएक्शन फोर्स आर लग रहा है और एक वेट लग रहा है एम जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दो कॉम्पोनेंट टूटेगा। नंबर वन, एक बात सब लोग ध्यान रखें, नए पुराने सब बच्चे, अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ है आर और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो अगर दो हिस्सों में तोड़ना है इसको तो दोनों हिस्सों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जिधर थीटा है उधर टूटेगा आर कॉस थीटा और ठीक परपेंडिकुलर टूटता है आर साइन थीटा। मतलब इसके साथ एक बार कॉस लगाना है एक बार साइन, जिधर थीटा होगा उधर कॉस लगाइएगा। जैसे मान लीजिए 10 लिखा हुआ है और ये एंगल 60 डिग्री है 60, तो इधर टूटेगा 10 cos 60 और इधर, ताकि बीच में आ जाए, इधर टूटेगा 10 sin 60। गौर करें इधर एंगल है उधर cos लगाना है इस वैल्यू के साथ। इसको कहते हैं कंपोनेंट तोड़ना, रिजोल्यूशन। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ चुके हैं तो कंपोनेंट तोड़ना हम सिखाए हैं वेक्टर में, अगर आप यूट्यूब में भी देखे होंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो उसी टॉपिक के अंतर्गत ये बातें हुई थी। तो यहाँ पे ये आर है ये थीटा है, तो दो कंपोनेंट क्या क्या टूटेगा, बिल्कुल सही आप बोले, जिधर थीटा है भैया उधर आप तोड़ दीजिए cos, दैट मींस कि हम इधर तोड़ देंगे r ऑफ cos थीटा और इधर तोड़ देंगे हम सेंटर की ओर r ऑफ sin थीटा। अब आप गौर करो, रिएक्शन एक फोर्स है और आपको अब सेंटर की ओर एक फोर्स मिल जा रहा है, सेंटर की ओर एक फोर्स मिल रहा है कि नहीं। तो जब साइक्लिस्ट अपने साइकिल को झुकाता है तो उसके रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट सेंटर की ओर उसको मिल जाता है, जिस कारण से सेंट्रिपिटल फोर्स, यही है सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, जो सेंट्रिपिटल फोर्स उसको चाहिए वो सेंट्रिपिटल फोर्स उसको रोड क्रॉस करने के लिए अवेलेबल हो जाता है और वो आराम से सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर पाता है बिना गिरे। तो इसलिए वो साइकिल झुकाता है ताकि उसको सेंटर की ओर एक फोर्स मिल जाए। और वो क्या ध्यान रखेगा, वो ध्यान रखिएगा यहाँ देखिए, अब क्या होगा, अब इसका वेट को कौन सा हिस्सा बैलेंस करेगा, आर कॉस थीटा। तो हियर हम सब जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा, हियर आर साइन थीटा विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। क्योंकि देखो सेंट्रिपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको रोड को क्रॉस करना है तो। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कौन है, आर ऑफ साइन थीटा, आर ऑफ साइन थीटा है सेंटर की ओर, देख लो आर साइन थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रिपिटल फोर्स तो वही है, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, आर कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, ये वाई एक्सिस का इधर भी फोर्स, आपका साइकिल थोड़ी ऊपर उड़ गया चाहे नीचे चला गया, साइकिल ट्रैक पे ही है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स को नीचे का फोर्स बैलेंस किए हुए है। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर दो। अब इक्वेशन वन को दो से डिवाइड करो, साइन और देखो ऐसे आर साइन थीटा बाय कौन सा है बताइए, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। यम यम गया, आर आ गया साइन बाई कॉस टैन थीटा
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, तक समझ में आया? तो देयर फोर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ऑफ टैन थीटा, तो वी स्क्वायर आर जी टैन थीटा, तो वी इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा। यानी आपको ठीक इसी स्पीड से पार करना होगा उस सर्कुलर ट्रैक को, अदरवाइज आप ट्रैक पार नहीं कर पाएंगे, आप गिर जाओगे, आप ट्रैक पे टेंजेंशियल निकल जाओगे। जैसे किसी ने साइकिल झुकाया है 45 डिग्री के एंगल पे, तो टैन 45 का वैल्यू डालना होगा। जो ट्रैक आप पार कर रहे हो उसका रेडियस पता होना चाहिए, जी का वैल्यू आपको पता है। इन सब वैल्यू को आप अगर पता कर ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना स्पीड मेंटेन करना है। आपके मन में एक स्वतः सवाल आया होगा कि भैया इतना नाप के तो हम कभी नहीं चलाए, कितना एंगल झुका है, जाके उतर के गोल चक्कर का रेडियस नापे और उसके बाद अपना साइकिल को एकदम मीटर लगा के एकदम बाइक को उसी स्पीड से चलाए ना। आप तो बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखते, जैसे मन में हल्का झुका है निकल लिए, है कि नहीं, यही आप बोलना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है वो बाद में आएगा, बात अभी जस्ट आएगा आज ही क्लास में कि आप बिना सोचे। लेकिन फिलहाल अगर आपको इस फोर्स के बदौलत पार करना है तो आपको ठीक इसी वेलोसिटी से पार करना होगा। v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा, इस वेलोसिटी से ज्यादा कीजिएगा तो भी नुकसान, कम कीजिएगा तो भी नुकसान। लेकिन आप ज्यादा भी कर लेते हैं कम भी कर लेते हैं कोई मतलब नहीं होता है आपको। ऐसा क्यों होता है और क्या होता है वो हम बताएंगे अभी तुरंत। फिलहाल आपको समझ में आया कि साइक्लिस्ट साइकिल क्यों झुकाता है? जवाब होगा साइक्लिस्ट साइकिल इसलिए झुकाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसको सेंटर की ओर एक फोर्स मिले ताकि वो रोड को क्रॉस कर पाए। और जब वो साइकिल झुकाता है तो रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट उसको मिल जाता है, और इस रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट उसको मिलता है यही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो लिखिएगा, व्हेन अ साइक्लिस्ट बेंड्स हिज साइकिल, आंसर में व्हेन अ साइक्लिस्ट बेंड्स हिज साइकिल, पिक हम सेंड कर देंगे अतुल, कर देंगे, पहले लिख लीजिए उसके बाद। कल फिजिक्स का एग्जाम है आपका, जैसे आज जो बताएंगे वो कल आ जाएगा आपको। अ साइक्लिस्ट बेंड्स हिज साइकिल टू गेट अ कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स, towards, और कोई मैसेज किए, towards component of reaction force towards the center of the circular path which will provide him the required centripetal force, towards the center of the circular path which will provide him the required centripetal force। आप सब बोर्ड पर लिखा हुआ चीज देख देख के लिखें, डायग्राम बनाएं ऐसे जल्दी से और लिखें। हम फोटो भले ही भेज दें लेकिन बोर्ड पर अगर आपको दिखाई दे तो जरूर लिखें, इससे आपको थोड़ा सा तो हैबिट बनेगा, थोड़ा आदत बनेगा, क्योंकि डायग्राम और खराब हो जाएगा, सब चीज स्क्रीन शॉट से जाते जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो प्लीज इसको आप बना लें, हम नहीं भेज रहे हैं आपको स्क्रीन शॉट, नहीं भेजेंगे स्क्रीन शॉट हम आपको, और आपको भी स्क्रीन शॉट नहीं लेना, आपको बनाना है इसको। हम बोले कि नहीं भेजेंगे फिर भी हम भेज चुके हैं ताकि आपको कोई दुख तकलीफ ना हो। रिपीट कर दे आंसर, त्रिपाठी जी बोले ओके। वेरी गुड वेरी गुड अनुराग, अनुराग मिश्रा देखो कभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लेता है, जो होता है सीधे जल्दी जल्दी लिखता है। वेरी गुड, सही है, गुड। हम दोबारा बोल दे रहे त्रिपाठी जी, हम बोले कि व्हेन अ साइक्लिस्ट बेंड हिज साइकिल टुवर्ड्स द सेंटर, he gets a component of reaction force towards the center of the circular path, he gets a component of reaction force towards the center of the circular path, towards the center of the circular path, this ya kya likha, towards the circular path ka likhwayenge, which will provide him the required centripetal force, which will provide him the required centripetal force। ab suniye, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो। साइन थर्टी का वैल्यू कितना होता है? वन बाई टू। साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू कितना होता है? वन बाई रूट टू। साइन सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है? रूट थ्री बाई टू। साइन नाइनटी का वैल्यू कितना था? वन। तो देखो सबसे पहला वैल्यू साइन जीरो जीरो, साइन थर्टी जीरो पॉइंट फाइव, वन बाई टू मतलब जीरो पॉइंट फाइव, साइन फोर्टी फाइव और उससे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, अंत में साइन नाइनटी वन सबसे बड़ा वैल्यू हुआ। यानी थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जितना थीटा का वैल्यू बढ़ेगा साइन का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। तो साइन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना अधिक आपको सेंटर की ओर फोर्स मिलेगा,
तो अगर आप ज्यादा तेज चला रहे हैं ऐसे बाइक तेज चला रहे हैं तो आपको उस सेंटर से पकड़े जकड़े रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो आपको ट्रैक पर टिका के रखे, तो आपका बाइक इधर जाकर सीधे ठोकर मार देगा। तो ज्यादा आपको सेंटर की ओर फोर्स चाहिए तो आपका वजन तो कम ज्यादा नहीं हो सकता है रिएक्शन फोर्स के लिए, आपको अपना एंगल देखो इधर की ओर फोर्स के लिए आर तो चेंज नहीं हो सकता है लेकिन साइन थीटा चेंज हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा एंगल बना लेंगे उतना ज्यादा कंपोनेंट मिलेगा। अब ज्यादा एंगल बनाने के बाद हम लोग को फ्रिक्शन का ध्यान रखना होगा आम जीवन में, तो आप देखते हैं मोटो जीपी का रेस पूरा झुका देता है, ज्यादातर झुकाने बहुत ज्यादा क्यों झुकाता है, गाड़ी उसकी तेज रहती है भाई, उसको इधर सेंटर की ओर फोर्स चाहिए, स्पीड कम करता है लेकिन बहुत भी कम करेगा तो पिछड़ जाएगा, इसीलिए वो कोशिश करता है कि रिएक्शन फोर्स का ज्यादा से ज्यादा साइन का ज्यादा बड़ा एंगल इधर मिले, जितना बड़ा एंगल मिलेगा उतना आराम से वो क्रॉस करेगा। अब मन में एक सवाल आया कि भाई ये सर्कुलर ट्रैक तो भाई साइकिल वाला कार बाइक वाला ठीक है, ये कार वाला कब देखें कि दो चक्का में ऐसे उठा के निकल लिया, ऐसा तो कार वाला करता नहीं है और कार वाला भी सर्कुलर ट्रैक पार कर रहा है, उनका भी रेस हो रहा है वो भी कर रहे हैं, रोड पे गाड़ियां कितनी चल रही है, ट्रक वाले हैं कार वाले हैं, कभी किसी ट्रक वाले को देखिए घाटी पे चलते बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत समझदारी से एकदम तेज चलाएगा तो सीधे टेंजेंशियली निकल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की ओर होता है, बताए थे ना आपको हम। तो खैर आखिर ऐसा क्या होता है कार वालों के साथ या ट्रक वालों के साथ, बाइक वाला साइकिल वाला कितना मस्त है जहां कोई दिक्कत ही नहीं उसको, सर्कुलर ट्रैक आया ऐसे कैसे करके निकल लिया प्यार से, लेकिन कार वाला तो दो चक्का में आके से नहीं निकल जाएगा, तो भाई वो तो बड़ा परेशान है, तो उनको परेशानी भगवान उसका दूर कर चुके हैं। इन केस ऑफ व्हीकल, जितने भी व्हीकल आप देख रहे हैं व्हीकल में सब कुछ आ गया जो चार चक्का वाला है, अब शाहरुख खान तो रिक्शा भी दो चक्का पे चला लिया था, कौन पिक्चर था मैं हूं ना क्या हो सब, वैसा सब सीन अगर स्टंट की बात ना की जाए तो नॉर्मल लाइफ में, तो होता क्या है कि फ्रिक्शन उनको बचाता है, ये सब जहां भी सर्कुलर ट्रैक आता है ना वहां फ्रिक्शन बचाता है। आप भी अगर इस स्पीड से कम ज्यादा चलाते हैं बिना मन का अंदाजा चलाते हैं आपको कौन बचाता है, फ्रिक्शन। हाँ एग्जैक्ट इतना से चलाएंगे फ्रिक्शन नहीं आएगा आपका हेल्प करने, लेकिन इससे ज्यादा और कम कुछ भी किए दोनों ही केस में आपको फ्रिक्शन बचाता है। फ्रिक्शन कैसे बचाता है क्या करता है वो हम अब बताने वाले हैं। फिलहाल लिखिएगा हेडिंग इन केस ऑफ व्हीकल, इन केस ऑफ व्हीकल VEHICLE, इन केस ऑफ व्हीकल या ब्रैकेट में लिखिएगा कार बस जीप जो मन से हो, जो गाड़ी आपके पास हो, नहीं हो तो बेकार भी लिख लीजिए, मत लिखिएगा बेकार, आप बेकार नहीं है, अभी तो आप बच्चे हैं, भविष्य में आप कमाएंगे तो आपके पास गाड़ियां होंगी, उस समय एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आज सतना मौसम जो सिखा रहे हैं अपने अपने इलाके में, जो भी आप घाटी, अगर आप रांची वाले हैं तो पतरातु घाटी कल जाइए एकदम, बिल्कुल ट्रायल लीजिएगा ये सब चीज का जो आज हम सिखाएंगे, ठीक है। घूमने का बहाना दे रहे हैं, बोलेगा प्रैक्टिकल है सर, बोले हैं जाना ही जरूरी है, एकदम घूमना तो है ही, वो भी बाइक से ही जाना है, करना मत ही सब कुछ, हमको मत फंसाना, मैं सही बोल रही हूँ। खैर होता क्या है इन केस ऑफ व्हीकल, व्हीकल के केस में क्या होता है आपका डाउट ले लेते हैं। मिड टर्म चल रहा है संस्कार, एग्जाम है सर स्कूल का, आज क्लास नहीं कर पाएंगे सर सॉरी, कोई बात नहीं संस्कार, तुम इतना संस्कारी लड़का है यही बहुत बड़ी बात है, बुलेट दे दीजिएगा अपना, मेरे पास बुलेट नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है आर्यन, मेरे पास साइकिल है, हम साइकिल से चलते हैं, ध्यान रखना कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास, ट्रायल क्या लगेगा टेंजेंशियली ऊपर निकल जाएंगे, ऊपर ऊपर नहीं निकलेंगे, कोई मरेगा कैसे वो हम बताएंगे, और कोई डाउट की नहीं का, अगले क्लास से आप नकली बियर्ड और मूछ लगा के आइएगा, आपका चेहरा देख के बहुत हंसी आ रहा, तो हंसो कभी तो हंसो मेरे ऊपर, क्या तुम लोग भी डाउट लाते हो, आज क्लास में अच्छा अच्छा डाउट आ रहा है मेरे चेहरे पे, डाउट आ रहा है, तो ट्वेल्थ वाले बैच का भी डाउट आना बाकी है, उनको ही पढ़ाना है हमको, इतना खराब लग रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। हाँ और क्या, हाथ उठा रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, वहां पे आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो बैकग्राउंड में जाके हम फेस में फिल्टर अप्लाई कर ले, अच्छा मूछ मूछ है, ओ ये हमको नहीं पता था, रिकॉर्डिंग ऑन है तो क्या हुआ, क्लास चल रहा है भाई, क्लास में सब तरह का बात होता है, रिकॉर्डिंग ऑन हो रहा है तो क्या हुआ, जिसको कष्ट होगा वो नहीं देखेगा रिकॉर्डिंग, और जिसको अभी कष्ट होगा वो मीटिंग से निकल जाएगा, जीवन भर उतना परेशान होकर नहीं रहा राजकुमार, फिजिक्स मतलब बहुत, हम बहुत अच्छे टैलेंटेड वे में पढ़ाई कर रहे हैं, जितना अच्छा से लोग पढ़ ले रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ ले रहे हैं, एकदम सिलेबस हमारा बिल्कुल पॉइंट पे, स्कूल जैसा भाग भी नहीं रहे हैं, मस्त हम लोग थ्योरी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल भी, तो हम खुश हैं। चलो देखो यार बस हम मिस कर रहे हैं ऑफलाइन मोड, थोड़ा उसमें मजा आता है, बच्चों के साथ ज्यादा मस्ती होता है। हाँ हम लोग बात करते हैं इनकेस ऑफ व्हीकल, जैसे कार बस जी, मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, और ये रहा आपका कोई बस, ये बस तो मुड़ेगा नहीं, ऑब्वियसली बात नहीं मुड़ेगा, बस हमको बनाने आता नहीं है इसलिए ऐसे बना दिए,
जो भी ये गाड़ी है इसका वेट कितना लगेगा नीचे की ओर, वेट लगेगा एम जी। नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, एन, एन या आर दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, एन या आर। वेट लग गया आपका एम जी, वेट आपका लग गया एम जी, नॉर्मल फोर्स लग गया एन। तो इसको सेंटर की ओर कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए ना, तो चक्का जो होता है ना गाड़ी का, चक्का का एक बड़ा अच्छा टेंडेंसी है, याद ध्यान रखिएगा इसको। चक्का का क्या टेंडेंसी होता है, किसी भी सर्कुलर ट्रैक में कोई भी चक्का हमेशा चाहता है सेंटर से दूर भागना। हर चक्का का ये टेंडेंसी है, चला के देखो सेंटर से अभी भागेगा। जब वो सेंटर से दूर भागना चाहेगा तो कौन सा फोर्स उसको सेंटर की ओर लगेगा, जब भी ऑब्वियसली बात है चक्का का मोशन जब अपोजिट टू द सेंटर होगा तो सेंटर की ओर लग जाएगा, एक फोर्स लग जाएगा और वो फोर्स होगा फ्रिक्शन। तो इस बार सेंटर की ओर कौन लग जाएगा, फ्रिक्शन, और वही आपको प्रोवाइड करवाएगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। फिर से बता देते हैं, व्हील की यानी चक्के की एक टेंडेंसी होती है, वो हमेशा सेंटर से दूर भागना चाहता है, और अगर वो चाहता है कि वो सेंटर से दूर भागे तो इस टेंडेंसी का अपोज करता है कौन, फ्रिक्शन। हेलो, हम फिर से बोल देते हैं, यहाँ पर नॉर्मल एम जी के इक्वल है सेंटर की ओर, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, बार बार कर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है, क्योंकि ट्रैक पे रोक के रखा है, काइनेटिक होती है तो स्लिप कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से पुट किए म्यू एम जी, एम से एम गया, यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, एनसीईआरटी पे कई न्यूमेरिकल राइट फॉर्मूला पे है वी इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। तो ये वेलोसिटी हुआ। अब इसमें भी है म्यू का वैल्यू मैक्सिमम जितना होता है वो स्टैटिक का केस है, थोड़ा बहुत इसको फिक्स आपको रखना है। म्यू का वैल्यू आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिटिंग तक जाता है, आप जितना तेज फोर्स तेज चलाएंगे उससे आपको फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का लिमिट होता है ना, बताए थे ना। अभी ये सामने मान लो लैपटॉप हम खींचे, दो न्यूटन से नहीं खींचा है, क्योंकि फ्रिक्शन वहां दो न्यूटन उधर लगा दिया, हम 10 लगा दिए, नहीं लगा। फ्रिक्शन मेरे हिसाब से बदलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम ज्यादा अपना वैल्यू कर सकता है, है कि नहीं। घर का बड़ा सा पलंग है, उसको अपने हाथ से खींच के दिखाओ, नहीं खींच पा रहे क्योंकि उसके पायों पे जो फ्रिक्शन लगा हुआ है ना, वो फ्रिक्शन आपको रोक के रखा हुआ है। आपका छोटा भाई खींचे, आपके पिताजी खींचे, चार लोग मिलकर खींचे, तब जाए कहीं मूव हुआ हल्का सा, यानी मैक्सिमम लेवल तक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मूव कर गया तो काइनेटिक हो जाएगा, काइनेटिक एडजस्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा इस केस में वी इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा म्यू आर जी। ये मीटिंग अभी और 7 मिनट में खत्म हो जाएगा, 7-8 मिनट में, तो आप नया सेम आईडी पासवर्ड से, सेम आईडी जो हम भेजे हैं उसी पे क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। लिखिएगा हेडिंग है इन केस ऑफ व्हीकल, इन केस ऑफ व्हीकल अंडरलाइन लिखिएगा उसमें, व्हील हैज अ टेंडेंसी, व्हील मतलब चक्का, WWEL व्हील, 100 नींबू की शक्ति, कोई साफ आता है ना वैसा। व्हील हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे, व्हील हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे, व्हील हैज अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, व्हील हैज अ टेंडेंसी to move away from the center of a circular track. Wheel has a tendency to move away from the center of the circular track. आप लोग का सवाल ही अजीब अजीब आता है। Center of the circular track, full stop. Static force of friction opposes this tendency. Static force of friction opposes this tendency. Static force of friction opposes this tendency and starts acting towards the center. Static force of friction opposes this tendency. Static force of friction opposes this tendency and starts acting towards the center. Full stop. This static force of friction will provide the required centripetal force. This static force of friction will provide the required centripetal force. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ना ले बल्कि बनाएं, अच्छा वही होगा। आप लोग का बुक वन कब तक खत्म हो जाएगा, देखिए खत्म करने से मतलब नहीं है, बार बार कहते क्वांटिटी पे मत जाइए ऋषभ बाबू, नहीं तो बहुत खराब स्थिति होगा। स्कूल वाला एग्जाम पास करने के लिए जब भी 2-4 थ्योरी दे दी जाए हो जाएगा, आपका सिलेबस काफी है वास्ट, लेकिन हम लोग इतना आगे पहुंच गए हैं बहुत बड़ी बात है। वैसे लगेगा समय थोड़ा सा, बुक वन खत्म होने में थोड़ा समय तो लगेगा, कम से कम इस महीने के बाद एक और महीना। वर्क एनर्जी पावर के बाद हम नए बच्चों का एडमिशन बंद करेंगे,
पुराने में भी किसी का अगर फिर भी बचा हुआ जो कम से कम 5-7 क्लास कर लिए जिनको लगता है कि यहाँ पढ़ना है, जो अभी भी ट्रायल पीरियड में वो बता के ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन 10 क्लास के बाद भी कोई ट्रायल पीरियड में है अभी कंफ्यूज है आप जाइए जीएम को छोड़ के, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है आप हमको बताएं कि भैया हम आपका फी अभी नहीं दे पा रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, सरकार का ऐसा ऐसा आदेश आया मेरे ऊपर, तो ऐसे कुछ बताएं हमको, फिर से बताएगा, बता चुके तो फिर से बताएं, वैसे ये बहानेबाजी हम नहीं सुनेंगे। ठीक है सुमित हम समझ गए, तुम सीधे ऊपर चले जाओगे, टी शर्ट मेरा सीधा है, जो भी मैसेज कर रहे हैं ये पीछे ही लोगों दिया है, टी शर्ट काफी पुराना हो चुका है, हमको फेंक ही देंगे, हर क्लास में कोई ना कोई टोकी देता है टी शर्ट उल्टा पहने हैं, टी शर्ट बहुत पुराना हो गया, कहीं देखो देखो फटा पहना हुआ है मास्टर, कोई इज्जत नहीं, टी शर्ट उल्टा बोल रहे हो, बेइज्जती करने के लिए आगे हो। हाँ कनक का क्या सर, फ्रिक्शन चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे? हाँ कनक एक उपाय है उसको पढ़ने का, फ्रिक्शन चैप्टर होगा ना कि एक बार रिकॉर्डिंग देखना है, और फिर भी रिकॉर्डिंग में जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां वहां हमको टोकना है, तुरंत सवाल भेज देना है, कोशिश करेंगे कि हम तुरंत तुरंत बना बना के भेज दे, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना कनक, समझ में आएगा, थोड़ा सा तो अजीब लगा क्योंकि फ्रिक्शन में हो सकता है न्यूमेरिकल में कम बनाए हो या किसी कारण से मैं जल्दी निकल गया हूँ, तो आप जल्दी से उसको देखिए कनक, यूट्यूब पे एक बार मेरा वीडियो देखिए जरूर फ्रिक्शन का, अच्छे से हो जाएगा, बहुत भारी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। हाँ रविशंकर फ्रिक्शन है बहुत क्वेश्चन, तो भेजो रविशंकर क्वेश्चन भेजो बिंदास, हम बिल्कुल बना के भेजेंगे, बस हमको याद दिलाते रहना भैया मेरा क्वेश्चन मेरा ये नंबर, याद दिलाते रहोगे तो हम इरिटेट होकर बना ही के भेज देंगे, लेके बनाना पड़ता है ना, पेंसिल लो पैड पकड़ो फिर बनाओ उसमें। हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कोई बात नहीं, चलिए बात यहाँ तक हो गया, आपको ये समझ में आ गया, अब यहाँ आगे सुनते हैं, ये मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगा तो आप तुरंत क्या करेंगे दूसरा मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो है कार जीप वाले जितने लोग हैं ये सारे लोग के सारे लोग सरकार के पास गए, बोले देखिए हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये साइकिल वाला बाइक वाला हम लोग को चिढ़ाते हुए झुका के निकल लेता है, हम लोग को किसके सहारे रहना पड़ता है, फ्रिक्शन के सहारे, वो भी फ्रिक्शन बोलता है कि अपना स्पीड इतना रखो म्यू आर जी, देखते हैं गति सीमा लिखा हुआ रहता है रोड किनारे वो सब जहां पे ट्रैक व्रैक रहता है वो, तो ये बोलता है कि देखिए ना सर बहुत दिक्कत है, एक तो फ्रिक्शन पे डिपेंड रहना पड़ता है, साइकिल वाला को देखते हैं कि उसको फ्रिक्शन तो हेल्प कर ही रहा है, साइकिल झुका के एक और कंपोनेंट ले लेता है सेंट्रीपेटल फोर्स के अलावा, सरकार बोला तो हम लोग क्या करें, बोला कुछ कीजिए हमको मतलब नहीं है, फ्रिक्शन का चक्कर में हम लोग रहते हैं, कभी बारिश हो गया तो रोड गीला हो गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है, तो वही रोड जो दो घंटा पहले हम लोग पार किए थे 60 का स्पीड में अब जाते हैं तो स्कीड कर जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन बारिश की पानी की वजह से कम हो जाता है, हो सकता है एक साल बाद वही गाड़ी लेके उस इलाके में गए तो पिछला साल जो स्पीड में गए थे इस साल उस स्पीड में जाने में डर लग रहा था कि चक्का घिस गया फ्रिक्शन कम हो गया, यानी ये फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, कुछ कीजिए सर, तो भाई सरकार बोला इंजीनियर सबको कि भाई देखो तो साइकिल वाला लोग चिढ़ा के निकल जाता है बाइक वाला इन लोग खराब लगता है, तो बोलता है इंजीनियर कि भाई देखिए सर साइकिल वाले के साथ है कि वो झुका लेता है अपना साइकिल गाड़ी बाइक जो भी है, इन लोग को भी झुकाना पॉसिबल नहीं है तो एक काम करते हैं इन लोग नहीं झुका पाता तो रोडे को उठा देते हैं, समझे इंजीनियर क्या बोला, इंजीनियर होता कमाल का आदमी है, रोडे को उठा दिया, इससे क्या होगा रोड थोड़ा उठ जाएगा तो इसका गाड़ी अपने आप झुक जाएगा, तो सरकार बोला ठीक है रोड को उठा, तो इसलिए रोड को देखिएगा जितना भी घाटी देखते हैं वहां पर रोड ऐसे होता है उठा हुआ ताकि इन लोग बेचारा जो कार जीप वाला इन लोग को अपने आप क्या होगा उससे, इसको कहते हैं बैंकिंग। तो अगला टॉपिक है अभी हम इसके बारे में बहुत बात करेंगे, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आने वाला है क्या होता है कितना झुकाव, ही नहीं कि पगला इंजीनियर डोनेशन दे के बना ऐसे उठा दिया गाड़ी ये बैठा किसी ने चलाया, उठाना कितना है कैसे उठाना है क्या होगा क्या नहीं, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो अपना अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग बैंकिंग BANKING बैंकिंग ऑफ रोड्स, और अगले मीटिंग में हम लोग मिलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल अभी तक हम सर्कुलर मोशन में एक भी नहीं किए हैं, सर्कुलर मोशन में शुरुआत में कुछ न्यूमेरिकल किए हैं बेसिक अभी नहीं किए, अभी पहले थ्योरीज को सीखते हैं और फिर एकदम मस्त न्यूमेरिकल पे हम लोग बम्बार्डमेंट करेंगे अपना, तो हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड्स, चलिए हेडिंग डालिए बैंकिंग ऑफ रोड्स BANKING, देख रहे हैं इंजीनियर साहब रोड ही को उठा दिए, और ये आपको हर घाट पतरातू घाटी आ जाइए घूमने वहां रोड ऐसे है देखिए जहाँ ट्रैक है पूरा घाटी ही ऐसे झुका हुआ दिखेगा आपको हल्का उठा हुआ है,